हमें प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 273 भ्रष्टाचार मामले में सरकार के एसीबी को सिर्फ 15 मुकदमों में स्वीकृति देने से सरकार के दावों की पोल खुल गई, लेकिन जांच की अनुमति नहीं देने के बाद भी एसीबी का मनोबल कम नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी 2018 के अंदर जब चुनावी समर के अंदर थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद में इनका भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा है इसकी बानगी तो एसीबी के द्वारा 273 प्रकरण जांच के दौरान भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई और सरकार से उनकी अनुमति लेने के लिए कार्रवाई करने की जब मांग रखी गई तो सिर्फ सरकार ने 15 ही मुकदमों के अंदर स्वीकृति दी गई कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अन्य मामलों के अंदर आज भी सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिलने से एसीबी का भी मनोबल